आप कांग्रेस को लेकर, क्या कांग्रेस के मुद्दे हैं, कैसे चुनाव में जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। कांग्रेस हमेशा से गंगा जमुनी की तहजीब को लेकर, हर धर्म को साथ लेकर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमले करना कांग्रेस का काम नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां की जनता सुख से अपना जीवन व्यापित कर रही है, लेकिन अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसे रेप प्रदेश के नाम से जाने लगा है पूरे विश्व में। हम सब महिलाएं हैं यहां पे, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है जिस शहर के सांसद और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के सांसदीय क्षेत्र में रात में 11 बजे 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और उसके दरिंदों को कोई सजा ना देने के जगह यहाँ की पुलिस प्रशासन उस केस को रफा दफा करने में जुट जाती है। ये केस है मात्र 20 दिन पहले का। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से वीणा चौबे जी बैठी हुई हैं, मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि मात्र 20 दिन पहले मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है और उसके लिए किसी भी भाजपा नेता ने, चाहे वो महिला नेता हो चाहे वो पुरुष नेता हो, आवाज क्यों नहीं उठाई? आप यहाँ बैठी हैं महिला सशक्तिकरण की बात करने के लिए और आपने, मैं बात करूं अगर स्मृति ईरानी जी की, वो एक हाथी के मरने पे ट्वीट कर देती हैं, एक हाथी के मरने पे ट्वीट करती हैं और भरे बाजार में नामांकन करने जाती हुई महिला का साड़ी खींची जाती है बीच सड़क पे, उसके लिए आवाज नहीं उठाती। हर मिनट हर घंटे अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ। कहां का आंकड़ा दे रही हैं? बंगाल का क्या? चाहे वो बंगाल का आंकड़ा दे रही हैं क्या? चाहे वो रेप का हो, नहीं, ये आंकड़ा पहले थोड़ा हमें बता दें, अगर बंगाल का दे रही हैं तो मैं मान लेती हूं। यहां तक की ट्वीट भी नहीं करती तो ऐसी महिला सांसद होने का क्या फायदा? रोशनी जी, फिर तो आरोपों में आप भी आ जाते हैं, क्योंकि आरोप तो आप पर भी लगातार यही लगते रहे कि आपके प्रदेश जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां अगर कुछ हो तो आपके बड़े नेता भी ट्वीट नहीं करते हैं। बिल्कुल अगर सिर्फ ट्वीट की बात चल रही है यहाँ पर, केस को रफा दफा करने में आप जरा जवाब दें। काम होना चाहिए और महिलाओं के लिए काम होना चाहिए। आप बोलिए, ट्वीट का खेल बंद होना चाहिए। हाथरस की अगर आप बात करें तो रात में 2 बजे प्रोपेगंडा भी बंद होना चाहिए, जाता है प्रोपोगंडा बंद करके काम करना चाहिए। उस समय मीना चौबे जी कहां थी, उस समय स्मृति ईरानी जी कहां थी? मैं वुमेन कमीशन में भी रही हूं मैडम। आपने आवाज कभी उठाई? एक ट्वीट आपका आया, आप महिलाओं आप कभी पढ़ना तो सीखिए, पहले पढ़िए तो, पहले एक आप पढ़िए आपने काम होता है। एक भी आपने ट्वीट किया कोरबुल करने से समर्थन में, मैं रात में 11 बजे न दब जाती है न छिप जाती है, मौजूद थी उस वहाँ पर। आपको आप पता करिए ना कहाँ थी कि वहाँ कौन कौन गया था, कार्रवाई क्या हुई करने के लिए होते खाली यहाँ पे आ जाते अखबारों की पन्नों में सुर्खियाँ बटोरना। लेकिन जब स्त्री असीमति की रक्षा नहीं होती है, नहीं किसी बेटी की रक्षा का काम होता है, बेटी की रक्षा के लिए उसके लिए लगना पड़ता है, उनके लिए सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराना होता है। आप पता करिए पहले, मैंने पता अखबार में आपने समाचार पढ़ लिया और उसके बाद से आपने तुरंत उस पर चर्चा कर दी और पूरे देश का मानदंड आपने ला दिया। बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में क्राइम का और ये सरकार हमेशा कहती है हमने क्राइम को कम किया है, हमने महिला अपराध को कम किया है। आप बताइए आपको क्या लगा है, किस तरह